उसी के साथ साथ कई लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं ऑक्सीजन घर पे रख लूं और ऑक्सीजन लगाना शुरू कर लूं पहले ही, तो शायद मेरे को आगे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब गलत धारणाएं हैं और यही मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा। ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी है कोविड 19 के लिए, लेकिन उसका मिसयूज जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम ऑक्सीजन सैचुरेशन की बात करें, जो हम सब लोग रेगुलरली अब देख रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के जो एक छोटा सा डिवाइस हम अपने उंगली पे लगाते हैं, तो उससे हम ये देखते हैं कि अगर हमारी सैचुरेशन 94, 95, 96 है या उससे ज्यादा है, तो उसका ये मतलब है कि अब हमारे बॉडी में, शरीर में ऑक्सीजन की, जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो सफिशियंट है। और इससे हमें घबराना नहीं चाहिए, हमारे सब टिश्यूज को, चाहे ब्रेन की बात करें, किडनी की बात करें, लिवर की बात करें या और किसी ऑर्गन की बात करें, इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग दीज ऑर्गन्स। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 94-95 है तो आप ऑक्सीजन लगा के उसको 98-99 करें, वो एक ऑक्सीजन का मिसयूज है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम ऑक्सीजन का मिसयूज ना करें, क्योंकि वही ऑक्सीजन उस व्यक्ति के काम आ सकती है जिसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से कम हो या 80s में हो। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की जो जुडिशियस यूज है, जब किसी व्यक्ति की सैचुरेशन 93 से कम हो, इससे पहले जब हम लोगों को ऑक्सीजन थेरेपी देते थे, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन थेरेपी जो हम कहते हैं, इनके लोगों जिनको ब्रोंकाइटिस है, फेफड़े खराब है, वो अपना सैचुरेशन 88-90 पे भी ठीक काम चल जाता था, 92 पे भी उनको ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के साथ काम चल जाता था और ठीक रहते थे। इसलिए ये पैनिक की जरूरत नहीं है कि हमें ऑक्सीजन सैचुरेशन हमेशा ही 95 रखनी चाहिए। अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92-93 है तो भी इट इज ऑल राइट, बट हम यही चाहते हैं कि एक बफर हो, जिससे ऐसा ना हो कि एकदम कम हो जाए और आपको हॉस्पिटल में पहुंचने में देरी हो जाए। इसलिए अगर आपकी सैचुरेशन 94 से ज्यादा है, आप बिल्कुल ना घबराएं, ऑक्सीजन की कोई जरूरत है, कम से कम हो रही हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरी, अगर जरूरी लगता है तो हॉस्पिटल जरूर आए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, और ये हॉस्पिटल्स के लिए है, कि वी मस्ट मेक श्योर कि लीकेज ऑफ ऑक्सीजन ना हो। और कई हॉस्पिटल्स में, और ये पहले ये था कि ऑक्सीजन की कमी महसूस नहीं होती थी, तो लो ऑक्सीजन जो था वो बहुत लीकेज हो जाती थी। एक एग्जाम्पल दूंगा कि लोगों ने ऑक्सीजन लगाया नाक से, अब आपका खाना आ गया, आपने खाने के लिए बैठे, ऑक्सीजन की ट्यूबिंग निकाली, बेड पे रख दी और खाना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे से ऑक्सीजन बंद नहीं की, तो वो ऑक्सीजन जो ट्यूबिंग से निकली जा रही है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल में लीकेज को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा है तो हमें सारे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे हम ऑक्सीजन को प्रिजर्व करें, उसकी लीकेज ना करें। तो जहां जहां पे भी किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की लीकेज के चांसेस हैं, ऑल हॉस्पिटल अथॉरिटी शुड मेक श्योर कि देयर इज नो लीकेज, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस पे गाइडलाइंस भी हैं। दूसरा जो हमने गाइडलाइंस में भी कहा है कि अगर आपकी ऑक्सीजन कम हो रही है, आप घर पे हो, तो आप पेट के बल भी लेट सकते हो और डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। प्रोन पोजिशनिंग से आपकी डायफ्राम की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, लंग की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है जहां पे लंग लोअर लोब ज्यादा है, लंग का एक हिस्सा ज्यादा है, दैट कैन एक्सपैंड मोर एंड यू कैन गेट मोर ऑक्सीजनेशन।